वक्त की बड़ी खबर, लोकभवन में कैबिनेट बैठक शुरू, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद, बैठक में मंत्री मोहसिन रजा भी शामिल। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यहां लोकभवन में कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं आपसे आना चाहूंगी, कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है, इसके बाद मंत्रिमंडल की भी बैठक होनी है। जी, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सोमवार के दिन बहुत अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा नेतृत्व की मुलाकात के बाद आज एक कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें आने वाले दिनों में कुछ निजीगत फैसलों पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है करीब 8 प्रस्ताव होंगे जिन्हें मुहर लग सकती है। इसके साथ ही साथ जो सबसे अहम बात है कि आज उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाई है। जो मंत्री जिले के बाहर थे उन सबको तत्काल बुला लिया गया था। आज सब विधानसभा लोकभवन पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर बाद विधान लोकभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक भी की जाएगी। आपको बता दें कि इसमें जो योगी सरकार है उसमें कामकाज को लेके जनता के बीच में ले जाने पर आगामी विधान चुनाव जो 2022 का चुनाव है, अब से कुछ महीनों बाद चुनाव आने वाले हैं, चुनावी बिगुल एक तरीके से बज ही चुका है, उस पे रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ साथ पंचायत चुनाव के जीतने से लेकर कोरोना काल में मंत्रियों के किए गए कामों को लेकर भी बात हो सकती है। मंत्री को अपने प्रभाव वाले जिले व अपने विधानसभा क्षेत्र वाले जिलों का दौरा करने को कहा जा सकता है। माना जा रहा है कि मंत्रियों के विभागों के अधूरी विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने, क्षेत्र की समस्याओं को समाधान कराने निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके साथ कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें किस मंत्री द्वारा कैसा क्या काम किया गया है, उसके जो प्रभारी क्षेत्र थे उसमें कैसी समस्याएं थी, क्या समाधान किया गया, इसको लेके भी एक रिव्यू किया जा सकता है। आपको बता दें कि कोरोना काल के जो दूसरी ये है, कोरोना काल जो दूसरी लहर आई थी उसमें अब ये आज पहली कैबिनेट बैठक की जा रही है। और साथ ही साथ जो मंत्रियों से जो मीटिंग है जिसको एक तरीके से रिव्यू मीटिंग भी कहा जाता है वो भी अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। जिस तरह से कहा जा रहा था कि आपकी बार एमएलसी जो है वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड के आधार पर इनको नियुक्त किया जाएगा, उन्हें टिकट दी जाएगी, तो क्या इसी को लेकर भी मंथन हो सकता है? ये एक रिव्यू मीटिंग ही कह सकते हैं। कृतिक, जिस तरह से पूरे कामकाज आपके साढ़े 4 साल हो चुके हैं, साढ़े 4 साल काल में जितना भी काम हुआ है हमने देखे थे, जो पिछला 20-25 दिन ले ले तो बहुत उठापटक रही थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में। लखनऊ और दिल्ली केंद्र बने हुए थे, फिर देखा था कल अमित शाह ने खुद जानकारी ली थी डीएम और कमिश्नर की वाराणसी से, वाराणसी जनप्रतिनिधि हैं उनसे, कि वहां के कार्यों की समीक्षा भी की थी। तो कहीं ना कहीं अब आला कमान भी फोकस करा यूपी पे, यूपी के जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं वो भी एकदम चुनावी मूड में आ गए हैं, उसी को लेके ये एक रिव्यू माना जा रहा है कि मंत्री ने किस कैसा काम किया है। हालांकि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी बहुत जल्द होगा, उसको भी इससे जोड़ के देखा जा सकता है कि किस तरीके से किन मंत्रियों के काम में तेजी रही है, किन मंत्रियों ने अपने प्रभारी क्षेत्र में बखूबी काम निपटाए हैं। क्योंकि पहली लहर और दूसरी लहर के साथ साथ पंचायत चुनाव भी हुए थे, उसमें भी भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उन सबका एक रिव्यू निकाला जाएगा, एक कंक्लूजन निकाला जाएगा, एक रिपोर्ट कार्ड असल में देखा जाएगा। उसी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चाएं तेज हो जाएंगी कि किस मंत्री को मंत्रिमंडल में रहना है, किसको बाहर करना है, कौन नए चेहरे अंदर होंगे, इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। कीर्ति, शुक्रिया मनीष जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट बैठक अभी शुरू हो चुकी है, इसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी जिसमें तमाम नेता शामिल होंगे कि चर्चाओं को कई चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। कोरोना के टाइम पर किस मंत्री ने कैसे कितना काम किया उसको लेकर भी रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, साथ ही साथ कोरोना में आगे कैसे बढ़े और चुनाव की तैयारियां, खास करके 2022 आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियों का किया जाए उस पर भी चर्चा होगी।